हाँ तो दोस्तों यहाँ पे जेके टायर के क्वार्टरली नंबर्स आ चुके हैं, तो उसी के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे और जानेंगे कि आपको जेके टायर के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगर हम सबसे पहले अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर हम कंपनी के रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पे 130% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़कर 2608 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल रेवेन्यू इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो अगर आप देखोगे तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ये नंबर काफी अच्छा है। अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो अभी कंपनी को 43 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जबकि पिछले साल इसी सेम क्वार्टर में कंपनी को 204 करोड़ का लॉस हुआ था। तो यहाँ पर जो पिछले साल जो कोविड की फर्स्ट वेव से जो बिजनेस को जो इम्पैक्ट पड़ा था तो यहाँ पर वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा है उतना, और मेन बात ये है यहाँ पे कंपनी ने लॉस रिपोर्ट नहीं किया। तो कोविड की सेकंड वेव में अगर कंपनी प्रॉफिट रिपोर्ट कर रही है तो नॉर्मल सिचुएशन पे कंपनी आराम से में अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो क्वार्टरली बेसिस पे यहाँ पे 10% से कंपनी का रेवेन्यू गिरा है, और जो टोटल रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का निकल कर आया है वो है 2608 करोड़ का। और प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो वो यहाँ पे 78% क्वार्टरली बेसिस पर गिरकर 43 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर में निकल कर आया है। तो देखिए यहाँ पे जो हमें फॉल देखने को मिल रहा है क्योंकि जो कंपनी के एक्सपेंसेस हैं जो पिछले क्वार्टर में जितने एक्सपेंसेस थे उतने ही कंपनी के यहाँ पर एक्सपेंसेस है, तो उसकी वजह से ये जो नंबर है प्रॉफिट का ये हमें बहुत ज्यादा गिरता हुआ नजर आ रहा है। अराउंड 150 से 200 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट क्वार्टरली बेसिस पे गिरा है। अब ये देखिए 4017 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। अगर आप देखोगे इंडस्ट्री के कंपैरिजन में आपको सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है, और अभी जो हमें यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है तो उससे कंपनी का अर्निंग पर शेयर और बढ़ेगा और प्राइस टू अर्निंग रेशियो में और कम होता हुआ नजर आएगा। अब हाँ यहाँ पर अगर हम कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड को अगर हम देखें तो पिछले 4 साल से कंपनी इतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर रही है। जो कंपनी के रेवेन्यूज अगर आप देखोगे हर साल कॉन्स्टेंट ही है, हमें ज़्यादा यहाँ पे ग्रोथ देखने को नहीं मिल रही है। और अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा था, फिर से यहाँ पे कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर गया और पिछले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें बढ़ता हुआ नजर आया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे थोड़ा इनकंसिस्टेंसी हमें यहाँ पर नजर आ रही है। अब ये देखिए 160 रुपीज पे यहाँ पे जेके टायर का स्टॉक अभी ट्रेड हो रहा है और 193 का इसका ऑल टाइम हाई है, यानी कि इन 15 से 20% ये स्टॉक अभी आपको अपने ऑल टाइम हाई से डिस्काउंट पे मिल रहा है। देखिए अगर आपने जेके टायर में इन्वेस्ट करना है मेरे ख्याल से जो कंपिटिटर्स हैं अपोलो टायर्स हो गया, फिर उसके अलावा सीट हो गया, तो वहाँ पर ज़्यादा मेरे ख्याल से अब ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, और जेके टायर के मुकाबले वो कंपनी अच्छे से परफॉर्म भी कर रही है, तो मुझे लगता है कि आपको उनके साथ जाना चाहिए। हाँ अगर आपने जेके टायर में इन्वेस्ट नहीं करना है तो आपका एग्रेसिव अप्रोच होना चाहिए, यानी कि आपका जो रिस्क एपेटाइट है वो हाई होना चाहिए, तो ही मेरे ख्याल से आपने ये इन्वेस्ट करना चाहिए। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर है तो मेरे ख्याल से मार्केट लीडर्स के साथ जाना बढ़िया रहेगा। दोस्तों मैं वो कहता हूँ कि जेके टायर्स के नंबर्स के बारे में आपको सब कुछ पता चल गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।